तो दोस्तों, अगर आप लोग इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं या फिर म्यूचुअल फंड और एसआईपी के इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं, तो आप एकदम करेक्ट वीडियो में आए हैं। क्योंकि भाई इस वीडियो में मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं कि आप कैसे अपस्टॉक ऐप के अंदर अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अब भाई ये बात तो आप लोगों को पता होगा कि अगर हम लोगों को आज किसी भी बैंक के अंदर अकाउंट ओपन करना होगा तो वो हमारा सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट में ओपन होता है, तब जाकर हमारा अकाउंट उसके अंदर ओपन हो पाता है और हम उसके अंदर अपने पैसे जमा कर पाते हैं। वैसे अगर आप लोगों को शेयर को खरीदना है या फिर म्यूचुअल फंड एसआईपी के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है, तो उसके लिए आपको डीमैट अकाउंट ओपन कराना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज के समय में भारत के अंदर बहुत सारे ऐसे डीमैट ब्रोकरेज ऐप हैं जिनके अंदर आप डायरेक्टली ये शेयर को खरीद सकते हैं, लेकिन अपस्टॉक ऐप के अंदर आपको अकाउंट ओपन करना एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसको यूज करना एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है और बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज आपको मिलती हैं जिसका आपको नॉमिनल चार्ज देना पड़ता है। इसलिए मैं आप लोगों को सजेशन करता हूं कि आप इसके अंदर अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। सबसे खास बात इस ऐप की, जो इसको स्पॉन्सर कर रखा है वो हमारे द ग्रेट भारत रत्न रतन टाटा जी ने कर रखा है, तो ट्रस्ट की बात तो भाई यहां पर खत्म हो जाती है। अब बात करते हैं कि इसके अंदर हम अपना अकाउंट कैसे ओपन करते हैं। तो आइए दोस्तों, अब ज्यादा देरी करे बिना प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस ऐप का लिंक मिल जाएगा, नहीं तो आप प्ले स्टोर से जाकर भी डायरेक्टली इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। अब आप इसमें इजीली खुद देख सकते हो, स्टार्टिंग में इसमें लिखा हुआ है एएमसी माने एनुअल मेंटेनेंस चार्ज आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है, मतलब जीरो है। ₹20 आप लोगों को तब देने हैं जब आप इसके शेयर को खरीदोगे बेचोगे तब, ठीक है। इस तरीके से मैं अब आगे इसमें बताता हूं कैसे इसके अंदर आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। सबसे पहले यहां पर आप लोगों को अपना फोन नंबर डालना है, फोन नंबर डालने के बाद ओपन फ्री अकाउंट पर क्लिक कर देना है। अब आपके पास एक 6 डिजिट का ओटीपी आ जाएगा, ओटीपी आने के बाद कंटिन्यू वाले सेक्शन पर क्लिक कर देना है। अब आपसे एक वैलिड मेल आईडी मांगेगा, तो वही मेल आईडी आपको इसमें डालनी है जिसको आप ज्यादातर यूज करते हो, और आपकी एक्टिव मेल आईडी आपको इसमें डालनी है। कंटिन्यू मेल आईडी पर डालने के बाद यहां पर अपनी मेल आईडी सिलेक्ट कर देना और आगे की तरफ प्रोसीड हो जाना। अब आपकी जो भी मेल आईडी इसने डाली है आपने, उस पर आपके पास एक ओटीपी आएगा। अब आपने यहां ओटीपी डाल दिया, ओटीपी डालने के बाद अब आपके पास ये पैन कार्ड का सेक्शन आएगा। पैन कार्ड में जो भी आपका नाम है, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है, वो आपको यहां पर फिलआउट कर देना है। जैसे आप फिलआउट करोगे तब आपके पास ये वाला ऑप्शन आएगा कि जो भी आपका पैन कार्ड आपने डाला है वो यही नाम आया है कि नहीं। अगर आपको इसमें चेंज करना है तो चेंज पैन पे जाकर इजीली चेंज कर सकते हैं, नहीं तो कंफर्म वाले सेक्शन पे जाकर आगे प्रोसीड हो सकते हैं। अब आपसे ये पूछेगा कि आपका ट्रेडिंग में कितना एक्सपीरियंस है, तो आप लोगों को यहां पर अपना ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस शो कर देना है। देन ये अब आपसे पूछने वाला है कि आपका एनुअल इनकम कितनी है। तो भाई इस बात को आप लोगों को खास ध्यान देना है, कई लोग यहां पर आकर गलती कर देते हैं कि हम एनुअल की बजाय यहां पर मंथली इनकम देखने लग जाते हैं और मंथली इनकम फिल आउट कर देते हैं। तो यहां पर आपको एनुअल इनकम फिल आउट कर देनी है। जैसे ही एनुअल इनकम फिल आउट कर दोगे तो जो भी आपकी एनुअल इनकम है, अगर आप स्टूडेंट हो तो आपकी 1 लाख तो होगी नहीं, तो आप बिलो 1 लाख पे जाकर प्रोसीड कर सकते हैं। देन उसके बाद आपको यहां पर आपका सेक्टर पूछेगा, किस सेक्शन में मतलब सेक्टर में आप वर्क करते हो, तो वो डालने के बाद आगे की तरफ प्रोसीड हो जाना। अब ऑक्यूपेशन डाल दी, अब आपसे ये पूछेगा आपका मेल मतलब आपका जेंडर क्या है। तो मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर तीनों सेक्शन आप लोगों को इसमें देखने को मिल जाते हैं। अब नीचे आपसे पूछेगा मैरिटल स्टेटस, तो यहां पर आपको मैरिटल स्टेटस फिल करके आगे की तरफ प्रोसीड हो जाना है। अब आपसे एक डिक्लेरेशन मांगेगा, तो आपको यहां पर डिक्लेरेशन में आई पे माई टैक्स इन इंडिया, आई एम नॉट पॉलिटिकल एक्सपोज एंड रिलेटेड, इन सब पे टिक करके आगे वाले ऑप्शन पे क्लिक हो जाना है। देन उसके बाद अब आपसे ई साइन मांगने वाला है, देन आपको ई साइन या तो अपलोड करके रख लेना है, तो आप डायरेक्टली इस पर गैलरी पर जाकर अपना अपलोड कर देना, नहीं तो आप इसके अंदर ड्रॉ सिग्नेचर पर क्लिक करके इस तरीके से अपना साइन मारकर कंटिन्यू वाले सेक्शन पर क्लिक कर देना। अब आपने इस पर कंटिन्यू वाले सेक्शन पर क्लिक कर दिया, अब आपने जैसे आगे प्रोसीड होंगे तो जो भी आपका आधार कार्ड पर आपका एड्रेस है वो यहां पर आपको इजिली शो हो रहा होगा। अगर आपको वही एड्रेस शो होता हुआ दिख रहा है, वही आगे प्रोसीड करना है, तो प्रोसीड पर क्लिक कर देना, नहीं तो आप यूज अ डिफरेंट एड्रेस पर क्लिक करके आगे प्रोसीड हो जाना। अब आपसे पूछेगा आपको फोटो डालना है, तो यहां पर आप टेक अ फोटो पर क्लिक कर देना, और ध्यान रखना कि ये जो फोटो आप इसके अंदर जो क्लिक करोगे वहां पर लाइट प्रॉपर हो, आप कोई कैप या फिर ऐसी कोई चीज ना हो जिससे आपका फेस ढक रहा हो, तो आप टेक अ फोटो पर क्लिक कर देना। जैसी फोटो पर क्लिक करोगे देन उसके बाद कुछ इस तरीके का ऑप्शन आ जाएगा। पहले क्या होता था, इधर आपको मैनुअली अपना बैंक डिटेल फिल आउट करनी पड़ती थी, लेकिन अब इसके अंदर जो अपडेट आया उसके अंदर आप लोग इसके अंदर ऑटोमेटिकली वाया यूपीआई आईडी इसके अंदर आप अपनी बैंक डिटेल फिल आउट कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप लोगों को मैनुअली भी फिल आउट करनी है तो नीचे जो आपको मैनुअली वाला सेक्शन आ रहा है उस पर क्लिक कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को बता देता हूं मैनुअली कैसे फिल आउट करना है।
जैसे मैनुअली वाले पे क्लिक करोगे, यहाँ सबसे ऊपर आप लोगों को अपना अकाउंट नंबर डालना है, नीचे फिर आपको अपना अकाउंट नंबर फिल आउट कर देना है, देन उसके नीचे आपका आईएफएससी कोड होगा वो फिल आउट करना है, देन उसके नीचे आपका जो भी अकाउंट नेम में आपका नाम है वो आपको फिल आउट करना है। अब देन नीचे सेविंग अकाउंट पर क्लिक करके आगे की तरफ प्रोसीड हो जाना है। देन आपको इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, वेरीफाइंग योर बैंक अकाउंट, आपका बैंक अकाउंट अब वेरीफाई हो रहा है। जैसे ही वेरीफाई हो जाएगा तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपकी स्क्रीन पे आपको शो हो जाएगा। इसमें आप लोग देख सकते हो लिमिटेड पीरियड ऑफर, आपका इसमें कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे क्लिक करोगे देन आपसे पूछेगा आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन, आपको चालू मतलब स्टार्ट कराना है या नहीं कराना है। अगर आपको स्टार्ट कराना है तो अपलोड नाउ पर क्लिक कर देना, अगर आप इसको बाद में स्टार्ट कराना चाहते हो तो अपलोड लेटर पर क्लिक करके आगे की तरफ प्रोसीड हो जाना। देन उसके बाद प्रोसीड के बाद आपसे ये पूछेगा आपको नॉमिनी ऐड करना है या नहीं करना। तो मैं तो भाई आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि आप इसके अंदर अपना नॉमिनी 100% ऐड जरूर कर लेना। जैसे आप इसके अंदर अपना नॉमिनी ऐड करोगे देन उसके बाद, वैसे तो बिना नॉमिनी ऐड करे भी इसके अंदर आपका अकाउंट ओपन हो जाता है, लेकिन आप नॉमिनी ऐड जरूर करना। नॉमिनी ऐड करने के बाद आपसे ये इस तरीके का ऑप्शन आ जाएगा। अब आपको साइन एप्लीकेशन पर क्लिक कर देना है। अब आप लोग NDSL की साइट, NSDL की साइट पे आ चुके हैं। देन इसके अंदर आप लोगों को फिर से अपना आधार कार्ड फिल आउट करना है और टिक वाले ऑप्शन पर क्लिक करके सबमिट पे आ जाना है। अब आप लोगों को फिर से इसके अंदर आधार कार्ड फिल आउट करना और सेंड OTP पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके अंदर अपना 6 डिजिट का OTP फिल आउट कर देते हैं उसके बाद आप लोगों को कुछ इस तरीके का ऑप्शन दिखाई दे जाता है। इसका मतलब ये आपका इसके अंदर अकाउंट पूरा बन चुका है। 3 से 4 वर्किंग डेज के अंदर आप लोगों को इसके में आईडी पासवर्ड, आपके जो भी डीमेट अकाउंट के होंगे वो आपकी वैलिड मेल आईडी जो आपने स्टार्टिंग में डाली है उधर आप लोगों को शो हो जाएगा। अगर फिर भी कोई डाउट रह गया होगा तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो दोस्तों अगर आप लोगों को इसमें अकाउंट बनाने से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आई हो या अपस्टॉक ऐप को यूज करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी वैल्यूएबल कंटेंट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।